हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं यात्री सेंट्रल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड राज्य की राजधानी और दून घाटी के बीच स्थित देहरादून की ओर। अगर आप भी अपनी रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी से थोड़ा सा ब्रेक लेकर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो देहरादून उसके लिए बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ का मौसम हमेशा सुहावना रहता है और इस शहर में घूमने और देखने के लिए बहुत सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इसके अलावा अगर आप देहरादून के आसपास की प्लेसेस भी घूमना चाहते हैं, जैसे मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, तो भी आप यहाँ पर एक दो दिन का स्टे करके लोकल प्लेसेस को घूम के आगे अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। यात्री सेंट्रल के आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप देहरादून कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ घूमने और दर्शन करने की कौन कौन सी प्लेसेस हैं, खाने पीने और रहने के क्या ऑप्शंस हैं, शॉपिंग मार्केट कौन कौन से हैं और किस तरह से आपको देहरादून का एक परफेक्ट ट्रिप प्लान करना चाहिए। वीडियो के एंड में हम आपको इस ट्रिप के बजट के बारे में भी बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक और नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप भी घूमने फिरने का शौक रखते हैं या फिर आपको अपनी यात्रा से संबंधित कोई क्वेरी या सवाल है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में आप अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस भी सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आइए चलते हैं हिमालय की तलहटी में बसे हुए देहरादून शहर की ओर। वीडियो के सबसे पहले सेक्शन में हम बात करते हैं कि आप देहरादून कब और कैसे पहुंचे। अगर आप बाई रोड आते हैं तो आपको दिल्ली, वेस्ट यूपी, उत्तराखंड के आसपास के शहर, हिमाचल के कुछ शहरों से सीधी बस सेवा मिल जाएगी। इनमें आपको ऑर्डिनरी बस और एसी वॉल्वो दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप अपनी गाड़ी से भी देहरादून आ सकते हैं। दिल्ली से देहरादून जाने के लिए एक्सप्रेसवे भी जल्दी बनकर तैयार होने वाला है, तो आप इससे भी आ सकते हैं। अगर आप हवाई माध्यम से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। यहाँ तक के लिए आपको मेजर सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और ये देहरादून शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। एक बार आप एयरपोर्ट पर पहुंच गए तो आप वहां से टैक्सी बुक करके देहरादून शहर की ओर आ सकते हैं। बात करें तीसरे ऑप्शन की तो वो है ट्रेन, यानी कि हमारी भारतीय रेलवेज। देहरादून रेलवे स्टेशन शहर के बीच में ही बना हुआ है और यहाँ के लिए आपको भारत के अलग अलग शहरों से रेगुलर ट्रेन्स मिल जाएंगी। हाल ही में रेलवेज ने दिल्ली से देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की भी शुरुआत की है। वैसे तो आप देहरादून किसी भी मौसम में जा सकते हैं, पर मार्च से लेकर जून के बीच यहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, कई लोगों को देहरादून के साथ मसूरी में स्नोफॉल का भी मज़ा लेना होता है, तो उस केस में आप यहाँ पर दिसंबर से जनवरी के बीच आइए, तब आप देहरादून के साथ साथ मसूरी में स्नोफॉल भी कवर कर लेंगे। बात करें ऑफ सीजन की तो सितंबर अक्टूबर के आसपास यहाँ भीड़ थोड़ी कम रहती है। चलिए वीडियो के अगले सेक्शन में बात करते हैं देहरादून में घूमने की कौन कौन सी प्लेसेस हैं और आपको किस तरह से अपने ट्रिप को प्लान करना है। यहाँ के सैलानियों के बीच जो सबसे फेमस प्लेस है उसका नाम है सहस्त्रधारा। यहाँ पे छोटे छोटे हजारों प्राकृतिक धाराओं का समूह है जो पहाड़ के बीच से बहते हुए नीचे आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के पानी में सल्फर पाया जाता है और यहाँ पे नहाने से काफी सारी स्किन डिसीजेस सही हो जाती हैं। यहाँ आपको कपड़ों की दुकानें और चेंजिंग रूम्स भी मिल जाएंगे। खाने पीने के लिए यहाँ आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। सुंदर फोटोग्राफी करने के लिए भी ये एक बहुत अच्छी जगह है। दोस्तों, पर आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि यहाँ पर कई बार पानी का बहाव तेज़ रहता है और नीचे पत्थर भी फैले हुए हैं, तो ध्यान से पानी में उतरें क्योंकि सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जगह मेन देहरादून शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। सहस्त्रधारा में यहीं पे पास में ही एक रोपवे भी है जिससे आप ऊपर पहाड़ पे जाके आसपास की घाटी के शानदार दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। ऊपर व्यू पॉइंट के पास वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, तो आप कुछ खा पी भी सकते हैं। बात करें रोपवे की टिकट की तो ये आपको 200 रुपये के आसपास में मिल जाता है। सहस्त्रधारा में ही एक प्राचीन भगवान शिव का मंदिर भी है, तो आप वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली प्लेस की ओर जिसका नाम रॉबर्ट्स केव है। इसको गुच्चू पानी के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। बच्चों के बीच तो ये बहुत ही फेमस है। ऐसा माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान इस गुफा में खतरनाक डाकू लुटेरे रहते थे, जो अंग्रेजों का सामान को लूट कर इस गुफा में छुपा देते थे। इसी के बाद से इस गुफा का नाम रॉबर्ट्स केव पड़ गया। बात करें गुफा की लंबाई की तो ये लगभग 600 मीटर की है और इसी गुफा के बीच से नदी का पानी बहता है, जिसमें आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अंदर तक जा सकते हैं। दोस्तों, इस प्राकृतिक गुफा के अंदर घुसने पर आपको एक अलग ही एहसास होता है। अंदर ठंडा ठंडा वातावरण रहता है और गुफा के अंदर आपको पानी का झरना भी मिलेगा, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। सहस्त्र धारा की तरह ही रॉबर्ट्स केव के आसपास के एरिया में भी आपको खाने पीने की बहुत सी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट और कैफेज हैं, जहाँ पर आप हल्का ब्रेकफास्ट, स्नैक्स आदि खा सकते हैं, जैसे कि मैगी, सैंडविचेस, छोले भटूरे, पराठे आदि। यहाँ के टिकट की बात करें तो ये 35 रुपये प्रति व्यक्ति है। दोस्तों, अगर आप जूते पहन के आते हैं तो यहाँ पर आप उनको लॉकर में रख के 10 रुपये में रेंट पर चप्पल ले सकते हैं, जिससे आपको गुफा के अंदर जाने में आसानी रहेगी। चलिए इसके बाद चलते हैं अगली प्लेस की ओर, जिसका नाम है टपकेश्वर मंदिर। टपकेश्वर मंदिर उत्तराखंड में स्थित सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर में स्थित शिवलिंग पर ऊपर पहाड़ की चट्टान से निकलने वाली पानी की बूंदों को गिरने के कारण इस मंदिर का नाम टपकेश्वर पड़ गया है। मंदिर के बगल से ही नदी भी बहती है, जिससे यहाँ बहुत ही सुंदर, सुखद और शांत वातावरण बन जाता है। यहाँ पर शिवरात्रि के टाइम पर बहुत भीड़ होती है, तो अगर आप उस टाइम पर यहाँ आ रहे हैं तो आपको दर्शन करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। दोस्तों, अगर आप भी पशु पक्षी और जानवर प्रेमी हैं और आपके साथ बच्चे भी हैं, तो आप देहरादून के मालसी डियर पार्क यानी कि देहरादून जू जा सकते हैं। मालसी डियर पार्क में आपको हिरण, खरगोश, घड़ियाल, कछुआ, तोता, मोर, शुतुरमुर्ग और एक तेंदुआ भी देखने को मिल जाएगा। सरकार ने इस पार्क को मिनी जू का दर्जा दे दिया है। यहाँ के रेप्टाइल हाउस में आपको कई प्रकार के सांप, कीड़े मकौड़े आदि देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एक कैक्टस गार्डन भी है और इसके साथ ही यहाँ पे एक एक्वेरियम भी बना हुआ है, जिसमें कई प्रकार की सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। ये जूलॉजिकल पार्क मंडे को बंद रहता है और इसकी एंट्री फीस 30 रुपए है। आइए बढ़ते हैं अगली प्लेस की ओर, जिसका नाम है FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इसे साल 1906 में बनाया गया था। इसकी मुख्य बिल्डिंग चारों तरफ हरियाली के बीच स्थित है। 450 हेक्टेयर में फैला हुआ FRI अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसके अंदर 5 म्यूजियम है, जहां पर आपको जंगल, पेड़ पौधों, कीड़े मकौड़ों आदि के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है, तो आप उनमें जाना मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। FRI कैंपस में ही बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, कृष्णा कॉटेज, पान सिंह तोमर आदि। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए भी ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ की एंट्री फीस 10 रुपये है और म्यूजियम के लिए आपको 40 रुपये अलग से खर्च करने पड़ते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं अगली प्लेस की ओर, जिसका नाम है माइंडरोलिंग मॉनेस्ट्री। ये मॉनेस्ट्री तिब्बती निंगमा स्कूल के प्रमुख मॉनेस्ट्रियों में से एक है। दोस्तों, मॉनेस्ट्री को मठ भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको चारों तरफ सुंदर गार्डन के बीच 220 फुट ऊंचा स्तूपा देखने को मिलेगा। इस मठ में 5 मंजिल हैं, जिसमें भगवान बुद्ध और गुरु पद्मसंभव की मूर्तियां हैं। पहली 3 मंजिलों में आपको बहुत ही सुंदर गोल्ड कलर की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं और ऊपर की मंजिल से आप देहरादून घाटी का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। इस मठ को साल 1676 में बनाया गया था। दोस्तों, अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है और आप वाइल्ड लाइफ सफारी का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप राजाजी टाइगर रिजर्व जरूर जाइएगा। जिम कॉर्बेट के बाद उत्तराखंड का ये दूसरा टाइगर रिजर्व है और ये 830 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमाएं देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिलों में फैली हुई हैं। यहाँ आप हाथी, टाइगर, एशियाई भालू, सांभर, नीलगाय, खरगोश और पीकॉक आदि देख सकते हैं। अगर आप जीप से जंगल सफारी करते हैं तो आपको लगभग 2 से 2.5 घंटा लगता है। हमारी राय में आप यहाँ पे मॉर्निंग या फिर लेट आफ्टरनून सफारी करिएगा, जिससे आपको जानवरों के दिखने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
क्योंकि दिन में अधिकतर जानवर बाहर नहीं निकलते हैं। दोस्तों, देहरादून में इसके अलावा भी बहुत सी प्लेसेस हैं जिन्हें आप घूम सकते हैं, जैसे आसपास के वाटरफॉल्स जिनमें टाइगर फॉल्स बहुत फेमस है, और फन वैली रिजॉर्ट एंड वाटर पार्क। बात करें यहाँ पे मार्केट और शॉपिंग की, तो देहरादून शहर में कई मॉल्स हैं जिनमें पैसिफिक मॉल बहुत फेमस है। इसके अलावा पल्टन बाजार, तिब्बतियन मार्केट और घंटाघर के पास राजपुर रोड जाना मत भूलिएगा। इन जगहों पर आपको शॉपिंग और खाने पीने दोनों के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अमूमन इन सभी प्लेसेस को अच्छे से और आराम से घूमने के लिए आपको 2 दिन का समय लग जाएगा, जिसमें आप एक नाइट स्टे कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इनमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस कवर करते हैं तो आप एक दिन में भी देहरादून घूम सकते हैं। बात करें देहरादून के अंदर घूमने के लिए लोकल ट्रांसपोर्टेशन की, तो आप उसके लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं जिनका नॉर्मली चार्ज 1500 रुपये या फिर मैक्स टू मैक्स 2000 रुपये के आसपास रहता है। इसके अलावा आप स्कूटी या बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। इनके लिए आपको लगभग 500 रुपये पर डे देना पड़ता है, जिसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर बसें भी चलती हैं, पर वो सभी प्लेसेस को कवर नहीं करती, इसलिए हमारी राय में आप टैक्सी या फिर ऑटो बुक करके घूमें वो बेहतर रहेगा। दोस्तों, अगर आप आगे की यात्रा करना चाहते हैं, जैसे कि मसूरी, धनौल्टी या फिर हरिद्वार या ऋषिकेश, तो भी आप देहरादून में एक पूरा दिन घूम के आगे की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत से यात्री उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा भी हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून से ही शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले सेक्शन में बात करते हैं कि देहरादून में रुकने और खाने पीने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपको अपने बजट के अनुसार एक से बढ़ के एक होटल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेस या होमस्टेज आदि में भी रुक सकते हैं। अगर आप देहरादून के सिटी सेंटर के आसपास होटल लेंगे तो आपको घूमने में आसानी रहेगी। बजट होटल्स में आपका अमूमन 1000 से 1500 रुपये पर डे लगेगा, और अगर आप महंगे और सुविधाओं वाले होटल लेते हैं तो आपको 3 से 4000 रुपये में भी यहाँ पे होटल के रूम्स मिलेंगे। बात करें हॉस्टल्स की, तो ये आपको 300 से 500 रुपये पर बेड पर नाइट के हिसाब से आराम से मिल जाएगा। होटल की बेस्ट डील्स जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। बात करें खाने पीने की, तो आपको यहाँ पर हर तरीके का खाना मिलेगा, पहाड़ी खाने से लेकर चाइनीज, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल और तिब्बतियन तक। देहरादून के मोमोज भी बहुत फेमस हैं, तो आप वो भी ज़रूर खाइएगा। बात करें एक टाइम के मील के खर्चे की, तो लगभग 100 से 200 रुपये आराम से लग जाएंगे। आइए बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी सेक्शन की ओर और बात करते हैं इस ट्रिप के बजट की। अगर देहरादून घूमने के खर्चे की बात करें, तो एक इंसान का लगभग 5000 रुपये के अंदर ही अंदर में कवर हो जाएगा। इसमें हमने होटल का खर्चा, खाना पीना और घूमना और उससे संबंधित खर्चे जोड़े हैं। दोस्तों, आपके शहर से ट्रेन, फ्लाइट या बस का खर्चा अलग अलग होगा, तो वो हमने इस बजट में नहीं जोड़ा है। तो कैसा लगा आपको ये देहरादून का वीडियो, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके मन में इस ट्रिप या फिर ट्रिप प्लान, आइटनरी से संबंधित कोई भी सवाल है या फिर कोई भी सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे फेसबुक ग्रुप के साथ जुड़कर वहां पर भी लिख सकते हैं। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जो कि देहरादून या फिर आसपास की प्लेसेस का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस वाले चैनल को और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। अगर आप भी हरिद्वार या फिर ऋषिकेश जाना चाहते हैं, तो उनके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप उन्हें भी ज़रूर चेक करिए। इसी तरह घूमते रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। जय हिंद।